स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए लेसन प्लान फाइल को लेकर के, जो कि आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड होगा। अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं और लेसन प्लान सर्च कर रहे हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर आज से हम शुरू कर दे रहे हैं 1 से 20 तक के लेसन प्लान आपको इकोनॉमिक्स के पार्ट से देखने को मिल जाएंगे, जिसे देख करके आप अपनी पाठ योजना फाइल इकोनॉमिक सब्जेक्ट से तैयार कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री से ही 1 से 20 तक के लेसन प्लान को लेकर के बात की है, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत एक पार्ट था हिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पर हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो आप SST के लिए अगर पाठ योजना फाइल तैयार कर रहे हैं तो 20 लेसन प्लान यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते, देखते हैं आप इस फाइल में क्या कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे, अपने क्या क्या टॉपिक लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी विषय सूची क्या क्या आपको यहाँ पर टॉपिक देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर मुद्रा दिया है, उपभोग दिया है, ठीक है, भारत के आयात व निर्यात, बाजार का वर्गीकरण, इसमें से कई सारे जो भी आपको टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। ये अर्थशास्त्र के अलावा आप इन्हें वाणिज्य की फाइल के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से है, यानी कॉमर्स के लेसन प्लान आपको बनाने हैं, तो कॉमर्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो वाणिज्य है, ठीक है, वो भी आपका कॉमर्स का ही एक पार्ट है। तो उसमें भी जैसे मनी एंड बैंकिंग हो गया, इसमें मुद्रा के बारे में दिया है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे सब्जेक्ट हैं आपके, तो उसके लिए भी, यानी व्यवसाय से संबंधित चीजें भी, आपके जो भी टॉपिक आते हैं वो भी आपको मिलेगा। जैसे एकांकी व्यापार हो गया, ठीक है, बाजार क्या होता है, उत्पादन, तो ये सारे आप देख सकते हैं, पूंजी, मुद्रा, ये सब आपके मनी एंड बैंकिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ही पार्ट हैं, जिसे आप दे करके अपनी पाठ योजना फाइल वाणिज्य के लिए भी तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान बना रहे हैं तो ये तो इकोनॉमिक्स की फाइल है ही, आप इन्हें दे करके अपनी पाठ योजना फाइल तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुद्रा। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, ठीक है, उसके बाद आप सीधे सीधे 5 कॉलम बना सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही पॉइंट वाइज चीजें मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप दिनांक डालेंगे, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट मेंशन करिएगा। विषय यानी सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपका उप विषय है अर्थशास्त्र। अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए बना रहे हैं लेसन प्लान तो आप विषय सामाजिक विज्ञान डालेंगे। अगर आप वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए फाइल तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर आप विषय में वाणिज्य डालिएगा, ठीक है। उसके बाद चक्र यानी पीरियड की बात की जाए तो ये आप फर्स्ट यहाँ पढ़ा है वैसे ही डाल सकते हैं, आप चाहें तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं। टाइम पीरियड यानी समय अवधि की बात की जाए तो ये आपका 35 मिनट पड़ा है, आप इसे भी अपने अकॉर्डिंग 30-45 मिनट डिवाइड करके डाल सकते हैं। कक्षा की बात की जाए, कक्षा 9 है और कक्षा 9 से ही आज का हमारा प्रकरण है मुद्रा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकरण पे बात करेंगे। सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पर सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए, इसमें आप विषय से संबंधित सामान्य जानकारियां बच्चों को देने के लिए सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जैसे विषय आपका है सामाजिक विज्ञान, तो इसमें आपका जो उप विषय रहेगा यानी अर्थशास्त्र, तो उससे संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियां देंगे। अगर आप वाणिज्य के लिए बना रहे हैं तो आप वाणिज्य से संबंधित उप जानकारियां बच्चों को देंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट दिया है, छात्रों को अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा पॉइंट है, अर्थशास्त्र के अध्ययन से छात्रों को देश की आर्थिक स्थिति एवं समस्याओं से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है, छात्रों में आर्थिक नागरिकता का विकास करना। चौथा पॉइंट है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पांचवा पॉइंट है, छात्रों को राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी देना। तो ये हो गए सामान्य उद्देश्य जो कि आपके विषय से संबंधित थे। आप चाहें तो इन पॉइंटों को कम करके भी लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए, इसमें आप प्रकरण से संबंधित यानी मुद्रा से संबंधित आप विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देंगे। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट दिया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी चीजों का ज्ञान कराना। इसमें आप बताएंगे छात्र मुद्रा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र मुद्रा का प्रतिभिज्ञान कर सकेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे हम बोधात्मक उद्देश्य,
इसमें आप देखेंगे छात्र मुद्रा की तुलना अन्य विनिमय के साधनों से कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मुद्रा का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। तो यहाँ पर बात हो गई ज्ञानात्मक उद्देश्य बोधात्मक उद्देश्यों को लेकर के। फिर आगे हम इसी में देखेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र मुद्रा के प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र मुद्रा के प्रकारों का मॉडल बना सकेंगे। तो ये हो गया आपका क्रियात्मक उद्देश्य। फिर आगे हम देखेंगे सहायक सामग्री यानी जिसे आप TLM कहते हैं। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे आपने चौक का इस्तेमाल किया, डस्टर, पॉइंटर, लपेट श्यामपट या श्यामपट, चार्ट, चित्र, कोई मुद्रा जैसे हो गई आपकी, ठीक है, या फिर कोई वस्तु हो गई, तो इस तरह से आप TLM में वही चीजें दिखाएंगे जो आप टॉपिक को पढ़ाते समय यूज करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्र छात्राओं को पहले से क्या कुछ पता है विषय से संबंधित, तो इसमें आप लिखेंगे छात्र मुद्रा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं जिनका प्रयोग वो दैनिक जीवन में भी करते हैं। तो ये है छात्रों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्नों की बात की जाए, पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे बच्चों से, वस्तु के बदले वस्तु देने को हम क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे वस्तु के बदले वस्तु देने को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को कैसे दूर किया गया। बच्चे बताएंगे वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को धन या रुपए के माध्यम से दूर किया गया। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे, धन या रुपए को और किस नाम से जानते हैं। बच्चे बताएंगे धन या रुपए को मुद्रा के नाम से जाना जाता है। फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे, मुद्रा के विषय में आप क्या जानते हो। तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। अब यहाँ पर जो समस्यात्मक प्रश्न आएगा तब यहीं से आपका उद्देश्य कथन बनेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट हैं आपके वाणिज्य से भी रिलेटेड हैं, तो आप अपनी कॉमर्स की फाइल भी तैयार कर सकते हैं बिल्कुल इसे देख करके। आगे हम देखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम मुद्रा के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका जो उद्देश्य कथन आएगा वो आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा। फिर आगे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। तो प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए, इसमें आप पूरे टॉपिक को पढ़ाने से पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं, परिचय के माध्यम से पूरे टॉपिक को समझाते हुए स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है। इसके लिए आप 6 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि या प्रविधि, श्यामपट कार्य। तो इस तरह से आप 6 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले आप शिक्षण बिंदु पहला ले रहे हैं, मुद्रा का अर्थ एवं उत्पत्ति, उससे संबंधित आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें आप लिखेंगे मुद्रा को क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे मुद्रा को धन कहते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, मुद्रा के विषय में आप और क्या जानते हैं। छात्र मौन हो गए क्योंकि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता। प्रश्नोत्तर विधि हो गई क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्रा उनका उत्तर दे रहे हैं, तो आप शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे। श्यामपटकार में आप ऐसे दिखा सकते हैं, मुद्रा को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसे ही, तो आप बता सकते हैं रुपए के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे आप स्पष्टीकरण देंगे, इसमें आप बताएंगे मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मणि शब्द से हुई है जिसका अर्थ है मूल्यवान रत्न। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी भी कहते हैं। मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है जिसे प्राचीन काल में लगभग सभी देशों में पशुओं को मुद्रा के रूप में, आगे अभी हम इसी में देख लेंगे। छात्र क्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आपने पाठ से संबंधित व्याख्या बताई या स्पष्टीकरण, इसलिए यहाँ पर शिक्षण विधि व्याख्यान विधि हो गई। तो आप इन चीजों को देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से लिखिएगा। आगे हम देखेंगे इसी में कुछ और पॉइंट। तो ये है आपका मुद्रा के बारे में, मुद्रा का अर्थ है उत्पत्ति। यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन भी दी है, हार्डले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो इस तरह से आप चीजों को बताएंगे बच्चों को और समझाएंगे टॉपिक को। फिर देखेंगे हम दूसरा शिक्षण बिंदु, मुद्रा का आर्थिक महत्व, ठीक है। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे, मनी शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे मनी शब्द को हिंदी में मुद्रा कहते हैं। यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, मुद्रा का आर्थिक महत्व बताइए। छात्र मौन हो गए क्योंकि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता। अब यहीं से हम स्पष्टीकरण के माध्यम से टॉपिक समझाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं मुद्रा का आर्थिक महत्व जैसा कि पॉइंट वाइज दिया है, ऐसे ही आप चीजें मेंशन करेंगे पॉइंट वाइज। तो ऐसे ही मैं कहती हूँ कि आप पॉइंट वाइज चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इन पॉइंटों को पढ़ के लिखिएगा। फिर यहाँ पर डालिएगा छात्र अनुक्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई क्योंकि आप व्याख्या दे रहे हैं या स्पष्टीकरण बता रहे हैं। फिर इसी में आप डालेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए, मनी शब्द को हिंदी में मुद्रा कहते हैं। तो इस तरह से आप श्यामपट कार्य भी दिखाएंगे।
आप चीजें देख लीजिए, वीडियो पॉज करके ऐसे ही पॉइंट वाइज चीजें मेंशन करिएगा। फिर आगे हम देखेंगे तीसरा शिक्षण बिंदु आपका। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है मुद्रा का सामाजिक महत्व। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे बच्चों से, प्राचीन काल में लोग पशुओं को किस रूप में प्रयोग करते थे। बच्चे बताएंगे प्राचीन काल में लोग पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। यहाँ पर भी प्रश्नोत्तर विधि हो गई क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राएं उनका उत्तर दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे मुद्रा का सामाजिक महत्व बताइए, तो छात्र मौन हो गए। अब यहीं से स्पष्टीकरण के माध्यम से आप मुद्रा का सामाजिक महत्व बताएंगे, तो आप इन्हें देख लीजिए स्पष्टीकरण में आप क्या कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया है, बहुत बढ़िया बनाया है इस बच्चे ने फाइल, तो आप ऐसे ही अपनी फाइल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर छात्र अनुक्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आपने पाठ से संबंधित व्याख्या दी या स्पष्टीकरण बताया, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। तो इस तरह से आप प्रस्तुतिकरण प्रश्न जैसा कि यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया है, आप बिल्कुल ऐसे ही चीजें पॉइंट वाइज लिखिएगा, तो आपका जो लेसन प्लान है वो एकदम सटीक बनेगा। इतने सारे आपको चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इन चीजों को देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे प्रस्तुतिकरण प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम इसे में देखेंगे बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। फिर बोध प्रश्न में आप ऐसे डालेंगे, पहला प्रश्न करेंगे सिक्कों का चलन कब किया गया, दूसरा प्रश्न है मुद्रा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तीसरा प्रश्न है मनी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो इस तरह से आप बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न देकर के बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे कि आपने जो भी टॉपिक को पढ़ाया है बच्चों को कितना समझ में आया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला श्यामपट कार्य, यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं। तो श्यामपट कार्य की बात की जाए, इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से वैसे ही चीजें मेंशन करेंगे जैसा कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं। दिनांक, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे, यहाँ पर वो डेट, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, ठीक है, जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे बनाए थे। उसके बाद आप डाल सकते हैं मुद्रा का अर्थ, तो इस तरह से आप मुद्रा का अर्थ बताएंगे। आप चाहें तो जैसे हार्टली विदर्स की परिभाषा भी देखी थी, आप डाल सकते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो इस तरह से आप डेफिनेशन भी दिखा सकते हैं। मुद्रा के कार्य में मुद्रा का क्या कार्य है, मुद्रा सहायक कार्य के रूप में कार्य करती है, मुख्य कार्य के रूप में और आकस्मिक कार्य के रूप में, तो इस तरह से मुद्रा के कार्य भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क में दिखा सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य से पहले यहाँ पर आपका दिया है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी जिसे आप अभ्यास कार्य कहते हैं। आप इसमें पूरे टॉपिक का दोबारा से रिवीजन क्लास में ही करवाएंगे। इसके लिए आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं अपने प्रकरण से रिलेटेड, जैसे यहाँ दिया है रिक्त स्थान भरिए, आप ऐसे ही दे दीजिएगा बच्चों को। पहला पॉइंट है मुद्रा को अंग्रेजी में डैश कहते हैं, दूसरा है मुद्रा वह है जो डैश का कार्य करे, तीसरा है मुद्रा से डैश के दोष दूर हो गए हैं, चौथा है मनी शब्द लैटिन भाषा के डैश से बना है। तो ये जो भी डॉट डॉट लगा है यहाँ पर बच्चे फिल करेंगे क्लास में ही, और इस तरह से आप पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों को देंगे। फिर आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य यानी ऑब्जर्वेशन वर्क। इसमें आप लिखेंगे जब छात्र श्यामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे, तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करते हुए उनको आवश्यकता अनुसार सहायता भी करेंगी। तो इस तरह से आप कक्षा का निरीक्षण स्वयं करेंगे या करेंगी। आगे हम देखेंगे गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, जैसे मुद्रा का अर्थ क्या है, ठीक है, मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऐसे आप प्रश्न दे सकते हैं, या फिर टिप्पणी दे सकते हैं, या फिर सही गलत या मिलान, या फिर जैसे कि यहाँ पढ़ा है मुद्रा का अर्थ उत्पत्ति को याद करके आना है, तो ये भी आप गृह कार्य में दिखा सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो आपका पाठ योजना संख्या एक है अर्थशास्त्र से वो कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या दो को लेकर के, जो कि आपका अलग टॉपिक पर होगा और आपका अर्थशास्त्र से ही रिलेटेड आएगा, ठीक है, जिसे देख करके आप अपनी वाणिज्य की फाइल भी तैयार कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।